हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा ब्लॉग। दोस्तों आज हम जा रहे हैं जयपुर। आप हाँ कर रहे हैं आज? हाँ जयपुर। आज हम लोग जा रहे हैं जयपुर, घूम फिर के आएंगे, दिखाएंगे आपको जयपुर के नजारे। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। लो जी आप पहुंच गए हैं बुआनी खेड़ा रेलवे स्टेशन। यहाँ से अपने को मिलेगी जयपुर की ट्रेन। ये हमारी नानी मेरे बर्थडे पे थी, जो दिखाते हैं आपको जींद का, सॉरी बुआनी खेड़ा का रेलवे स्टेशन। तो हमें मिल चुकी है ट्रेन, अब हम बैठेंगे ट्रेन में, ये चलेगी। रात की 8 बज के बैठे बैठे लो जी बज गया 11:38। आप पहुंच गए जयपुर, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। लिफ्ट में चला तीन। तो दोस्तों रात के बज गए हैं पूरे 1 और हम यहाँ स्टेशन पे ऐसे देखिए विराम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए जयपुर का स्टेशन है, सुबह के बज गए 6:30। अब हम जा रहे स्टेशन से बाहर, इंटरनेशनल रोड हो रहे पूरी अर्थ। यो देखो यहाँ, ये तो वो है क्वार्टर थे भाई। तो लोग पीछे देंगे जब। लो जी आप पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, ऑर्बिट मॉल, पासपोर्ट सेवा केंद्र जयपुर। हाँ लो जी आप दोनों आ गए हैं मेट्रो स्टेशन। अब आप जाओगे हवा महल देखने, तब तक आपको दिखाते हैं मेट्रो स्टेशन यहाँ का जयपुर पिंक सिटी। लो भी आ गई अपनी मेट्रो। लोड मार कर की गणे पैसे नजर आ गए। महल तो ठीक है, फिर हवा कटता है। हवा महल विधानसभा देखो वो दिखा, क्या है? चलो देखते हैं क्या बात है। चर चर रेखा। तो जी ये तो था अपना हवा महल। पित्तल दरवाजे पित्तल के दरवाजे। अच्छा गुलाबी नगरी क्या देखो, कड़ा गुलाबी गुलाबी तो मैंने कुछ देखा नहीं, बाकी रहा है नहीं देखा। चलो अगर कुछ मिला तो। ये तो था जी अब अपना हवा महल। अब हम चले हैं जल महल देखने, जल के अंदर जो महल है दिखाते हैं आपको, देखते रहिए लोग। पूरे ऊपर किला के ऊपर नहीं छोटी। मैं क्या तो ले रही हूँ ये कैमरा, ये देखो जी ये है अपना जल महल। यो महल यो जल नहीं,
अच्छा यो है। ओए शाक भाई, तो सुहान से ये लो, सुहान से पेटीएम पे आ गए। पापा ने क्या बोला? दो मिनट तो शांति रख। चुगड़दा पानी पानी है। रानी तरफ लगा ले किसम का। हाँ चलो सफाई बेटा, इसमें सफाई बड़ा है थोड़ा। 50 चित्रकारी हो रही है। जयपुरी जूती, जयपुरी चप्पल। ये था जी अपना जल महल। ये देखो पीछे पानी है, पानी के अंदर है ये जो भी है। पूछ लो यार, तुमने बोला भाई मेरे साथ धोखा किया यार तुमने। क्या भैया ये पत्थर के सारे सब पत्थर? भैया भैया चाचा इतना जल्दी बच्चे भैया क्या कर रहे हो? अच्छा रुक जाओ, ये बता दो ना। सब अलग अलग है। देखिए ये है अंग्रेज लोग। यहाँ से कुछ ले लेते हैं अपन। अपन देखिए बड़े बड़े तार सुकल लिया अपन उतर अंदर जाना तो मना है। सिटी में भी गए थे, वहां भी कुछ गुलाबी मिले। तो जी आपको हमने दिखा दिया, ये था हमारा जल महल। हवा महल पूरा दिखा दिया। तो जी अपा दोबारा आ गए हैं वापिस स्टेशन के लिए। मेट्रो लेंगे, मेट्रो स्टेशन से मेट्रो स्टेशन के लिए। तो हाँ एक बज गया। बड़ी चौपड़, इसका मतलब है हवा महल। जबरदस्त भीड़। हेलो दोस्तों, ये हमारे साथ खतरनाक सीन हो गया। हम गलत ट्रेन में आ गए और ट्रेन की हमें कोई नॉलेज थी नहीं, नेटवर्क हमारे फोन में थे नहीं, तो इसलिए हमें पता नहीं लगा। हम यहाँ यूपी पहुँच गए भरतपुर। अब हम यहाँ से देखेंगे कोई दिल्ली की ट्रेन मिलती है तो हमें। रात के बज गए, अभी बज ही गए रात 6, तो बज गए 6:30, अभी रात हो जाएगी। ये देखिए आपको दिखाते हैं भरतपुर का रेलवे स्टेशन। कभी बाई मिस्टेक आप भी आ जाओ तो। ये देखिए दोस्तों भरतपुर का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हम गलती से पहुंच चुके हैं और यहाँ मच्छर इतने भयंकर भयंकर वाले। हट, अगर सुबह तो गए तो हम पाओ नहीं। सुबह 2 घंटे हम, अगर ये 2 घंटे हम एक जगह पर खड़े रह गए तो हमने मार के खा जाएंगे। ये देख कितने मच्छर है।
दोस्तों ये तो हमारे साथ ओ माई गॉड वाला काम हो गया। उप्स मोमेंट के शिकार हो चुके हम। अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगी ट्रेन करेगी। अब ट्रेन है एक दिल्ली की, उसमें जाएंगे हम। रात को पता नहीं कितने बजे उतारेगी। अभी थोड़ी देर पहले उसका टाइम 7:53 था, लेकिन अब उसका टाइम हो गया 9:09। देखो हमारी किस्मत, 2 दिन हो गए मैं सोए हुए, अब हम यहाँ। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों ये देखिए, मूंग दाल खा के यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि स्टेशन पे कुछ नहीं है। ये देखिए दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मूंग दाल खा खा के अपने पेट को तसल्ली दे रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ नीचे बैठ चुकी हूँ, रात के 9 बजे। ट्रेन 1 घंटा 23 मिनट लेट है। बैठूँ तो मच्छर खाएं, खड़े खड़े मेरे पैर दर्द हो गए। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। गलत ट्रेन में कभी नहीं चढ़ना, कभी भी, गलती से भी नहीं, नहीं करेगा। ये आप बीती बता रही हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ हम ट्रेन में जब चढ़ रहे थे तो पापा का फोन निकाल के भाग गया एक चोर। और ज़्यादा दुख की बात यह है, वो चोर एक सरदार बंदा था। देख लो अपने सरदार भी ऐसे काम करते हैं। पकड़ा गया, लेकिन वो मोबाइल मिल गया हमारा, बच गया हमारा मोबाइल। लो जी आप पहुंच गए नई दिल्ली, रात के बज गए 12:30। यहाँ कोई इंसान नहीं देखा आपको। कहने की बात है दिल वालों की दिल्ली ऐसा कुछ नहीं है, चोरों की है दिल्ली। अभी एक लड़के का पीछे पर्स मार लिया पीछे, तो ये तो भूल जाओ कि दिल वालों की दिल्ली है, चोरों की दिल्ली, लुटेरों की। मोबाइल डाल लू कहीं, चोर ले जाए मेरा कोई। ये देखो भाई कुत्ते कुत्ते बैठे हैं बस। कहने कहने की दिल्ली है यहाँ। तो जी अब खोलो खाना, दिल्ली नई दिल्ली। टाइम हो चुका है 1:35। ये देखिए कैसे लाश पड़ी, ये ट्रेन में लाश पड़ी बची हुई। ये देखिए आपको दिखाते हैं लाश। ये नीचे जाएगा रास्ता? हाँ। तो उससे आए थे पड़ा है। अच्छा उस साइड तो चल पड़ा, ये लाशन ले लें निकल। देखिए किस तरह है, ये भी एक एक्सपीरियंस ही है। ये देखिए दोस्तों, जिनको कुछ नहीं मिलता लेटने के लिए, वो जमीन पर ऐसे पड़े थे जिंदा लाश की तरह। ये देख, आज तक आपने देखा होगा यहाँ टिकट की लाइन में बंदे खड़े मिलते थे, लेकिन यहाँ पड़े मिल रहे हैं। इन्हें कदे ठट्ठा गप्पू। दोस्तों नीचे पुलिस वाले ने बताया था कि ऊपर जाओ, वहाँ वेटिंग रूम में आपको चार्ज करना पड़ेगा कुछ पैसे, और वहाँ पे जाके आप रेस्ट कर लो। लेकिन वहाँ भी पूरा फुल था, और उस बिहारी ने हमें दिया नहीं रूम। बोला आपके पास कौन सा टिकट है? जब हमारे पास टिकट होता हम अड़े के लेंदे भाई, हम अपने रेलवे में बैठ कर जाते। तेरी बुआ तो 5 बजे आओगी वह रेल। ये हम तो अंडे थे बड़ा कुकर पड़े हैं अलमारियाँ में के में। दोस्तों ये देखिए, ये ऐसे खड्डे बनाए हुए हैं। मतलब अगर बंदा सोचे कि 20 पे लेट जाए तो सोच नहीं सकता, क्योंकि सॉलिड ये दीवार निकाल रखी है, खड्डे बना रखे। लो जी फाइनली अपन बैठ गए जीनी की ट्रेन में। शुक्र मत जाएंगे वो तो लौटे घर पे आए तीन दिन हो गए धक्के खाते स्टेशन पर, रात गुजार दे बदबू भी आने बड़ा खतरनाक सीन था।
दोस्तों अब हम आ गए हैं लखन मजरा जुलाना, लखन मजरा जुलाना मेरा गया। थोड़ी सी फेस पे स्माइल आई अपना घर आगे कर, बड़ी मुश्किल से तरस गए थे घर देखने, तरस गए थे, तबीयत खराब हो गई, गला भी खराब हो गया। दवाई लेवांगे जाके, लो जी बापा अपना घर पहुंच गया जींद। इतना तो देखो मुंह पर नू हो रहा है, कदावां कदावांगे। कदे भी जाओ ट्रेन में टिकट देखो, किसी का पूछो ना, चेक करो कौन सी ट्रेन की जाओगे जब बैठो, नहीं तो फिर आगरा पहुंच जाओगे देख लियो। कानपुर आगरा वाराणसी, मैं सोचू ट्रेन में इतने बैरी कुकर भरे हैं, कहाँ को जा रहे हो, काम तो जींद देख लो भाई, मार्ग तो योकलोल हो गया। बाय बाय हैप्पी जर्नी। तो भाई फाइनली हम अपने घर पे आ चुके हैं। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई, आज तो लगना चाहिए था ना हमारा व्लॉग अच्छा, क्योंकि आगरा तक जाकर आ रहे हैं बिना बताए, बिना सोए बिना कुछ खाए पिए इतने दूर तक। उसमें आपा भी ठीक थे, फिर आप ट्रेन में